आत्महत्या के लिए प्रोत्साहित करने वाले नागपुर संभाग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नीति के विरुद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 दिसंबर के कार्यक्रम में जय जवान जय किसान संगठन किसानों को लेकर धरना प्रदर्शन करेगा। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान जय जवान जय किसान संगठन के सचिव अरुण वनकर द्वारा दी गयी। गुप्ता के कोलवाशरी के कारण असम्बा और वराड़ शिवा तहसील पारशिवनी के दोनों गांवों में 600 हेक्टेयर कृषि पिछले दो वर्षों से प्रदूषण के कारण क्षतिग्रस्त हो रही है। किसानों ने विरोध किया तो उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कर उन्हें दबाने का प्रयास किया। जय जवान जय किसान संगठन ने पहल की और कलेक्टर नागपुर ने किसानों के साथ दो बैठकें की और कंपनी को बहुत कम किसानों की सूची प्रदान कर बहुत कम मदद करने के लिए मजबूर किया और किसानों को चुप कराने की कोशिश की। इस श्री दिनांक 20 मई 2019 के कारण होने वाले प्रदूषण के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिम्मेदार है, ऐसा पत्र परिषद के दौरान वनकर द्वारा कहा गया। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने पर न खाऊंगा न खाने दूंगा का ऐलान किया था, लेकिन उनके समय में बहुत भ्रष्टाचार हुआ और जब वे 11 दिसंबर को नागपुर आ रहे हैं तो जय जवान जय किसान संगठन द्वारा निषेध किया जाने वाला था, लेकिन शहर पुलिस आयुक्त द्वारा संगठन के साथ बैठक कर किसानों की समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कर समस्या हल करने का आश्वासन दिया है, जिसे देखते हुए संगठन प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में किए जाने वाले निषेध आंदोलन को रद्द किया है, ऐसा भी अरुण वनकर द्वारा बताया गया है। जय जवान जय किसान द्वारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन के पीछे की भूमिका ऐसी थी कि एसम्बा और वराड़ा जो गाँव है पारशिवनी तालुका के कुंडीगांव खदान का कोयला वहाँ कोलवाशरी है एसम्बा में वहाँ वाशुने जाता। पिछले दो साल से किसान चिल्ला रहे प्रदूषण के कारण खेतियाँ तबाह होगी। करीब करीब 600 हेक्टर 70 से 100 किसान उससे प्रभावित है। उनके आत्महत्या करने की नौबत आ गई। उन्होंने स्थानिक आंदोलन किए, उसको पूछा नहीं गया। पुलिस भी आंदोलन को दबाती है, रास्ता निकाला नहीं जाता। नागपुर का कलेक्टर वो भी उसको दबाने पर ही ध्यान देता है, रास्ता समय निकालने का काम करता है। बीच में एक मीटिंग कलेक्टर ने बुलाई, एक किसान बोलते में हमारे ऐसे हाल है हम तो आत्महत्या करने के लोग तो कर ले बोलता है, यानी कलेक्टर बोलता है। तो दैट इज द ये इशू कितना गंभीर है। तो हमारे देश में किसानों को कैसा दबाया जाता है उसका वो प्रतीक है। जय जवान जय किसान ने इंटरव्यू किया, 28 तारीख को आंदोलन किया प्रदूषण बोर्ड के सामने। उन्होंने कबूल किया, हमने वार्निंग दी कि 8 दिन में क्लोजर नोटिस उस कंपनी को कुलवासी के लगना चाहिए। और उन्होंने चालाकी एक एक हमारे सामने रोया, मैं बिल्कुल करता हूँ। 29 को उनकी टीम गई, वो जो रिपोर्ट था वो संशयास्पद था। हमने फिर दबाव डाले, 4 तारीख को रिपोर्ट दिया उन्होंने कि इतने इतने किसान इतने हेक्टर के किसान प्रभावित हो रहे हैं और इससे इतना नुकसान हो रहा है, ये रिपोर्ट भेजा। हमें ये पता है वो रिपोर्ट के आधार पर कि महाराष्ट्र राज्य नियंत्रण बोर्ड का जो ऑफिस है वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि परमिशन देगा, टाइम पास करने का काम करेगा। भूमिका ली कि पंतप्रधान जी हमारे आज नागपुर में आ रहे हैं 11 तारीख को, तो उनका स्वागत किया जाए। उन्होंने घोषणा की है, जब आए तो उन्होंने गवर्नेंस की बात की थी और गवर्नेंस की बात करके उन्होंने बोला कि मैं खाऊंगा नहीं ना खाने दूंगा। ऐसे पंतप्रधान जिनका स्वागत करना चाहिए, तो हम स्वागत कर रहे हैं कि उनके ही राज्य में उनका ही राज्य में सरकार है तो डबल डेकर वाली बस है उनकी, तो उनके राज्य में इतना चल रहा है भ्रष्टाचार, तो हम चाहते हैं कि वो इन बसों को दूर करें, किसानों को राहत दिलाए। नहीं दिलाएंगे तो उनके कार्यक्रम में हम ये करने वाले थे। मैंने नागपुर के म्यूनसिपल पुलिस कमिश्नर, इन्होंने ताबड़तोड़ आज हमको बुला लिया और उन्होंने वार्निंग दी कि यार पंतप्रधान है, सब बाजू में हट जाता है, उनकी सुरक्षा या सर्वोपरि होती है, आंदोलन का तो कोई सवाल नहीं। तो बोला हम भी 40 साल से ये कर रहे हैं, मगर निषेध व्यक्त करना, अपनी आवाज़ उठाना, ये जनता का अधिकार है। हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हम कोई उनके रास्ते में अड़थड़ा नहीं बनेंगे। हम नहीं चाहते हम कोई गुरिल्ला, पुलिस आयुक्त ने गुरिल्ला शब्द का वार केला, हम गुरिल्ला वाले, हम डेमोक्रेटिक कैडर से खुलेआम आंदोलन करते, चैलेंज करके आंदोलन करते, तो हम कोई गुरिल्ला वार नहीं कर रहे। निसंदेह हम कमिश्नर साहब ने इसने पूरा कर लिया कि मैं कलेक्टर कमिश्नर से बात करता, ये मामले के हल के नज़दीक पहुँचाता हूँ और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप यह आंदोलन, तो हम ये मान गए कि उनके रास्ते में हम रुकावट नहीं बनेंगे, उनके शहर में रुकावट नहीं बनेंगे, मगर हम जिस धरती पर अपना हल जोतते हैं, पसीना बहाते हैं, उस पसीने को साक्षी रखकर वो कंपनी के सामने हमारा 11 को प्रदर्शन होगा और पंतप्रधान के आगमन के विरोध में अगर मामला साल नहीं हुआ तो मैं ऐसा घोषित करूँ। साथ ही वे बोले, अगर समस्या हल नहीं हुई तो 11 दिसंबर को किसानों के साथ नागपुर विभाग नियंत्रण मंडल कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस मामले में अब ये देखने वाली बात है कि क्या किसानों की समस्याएं हल हो पाती हैं या नहीं।
कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।